मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, बताया था तभी। तो गर्लफ्रेंड बनाने में क्या है बताओ? नहीं बनाने तो पसंद तो होती है फिर भी इंसान की? नहीं होती, इस लाइक को पसंद नहीं, लड़के ज्यादा पसंद नहीं, पसंद नहीं। बिरयानी क्यों नहीं बनी तुमने? चिकन हमारे पास चिकन नहीं था। क्या था तो मंगा लेते, भैया ना खाता। तो भैया नहीं खाते, हम तो खाते। नमस्कार दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप ज़रूर चौंक गए होंगे। मेरी आज के इस वीडियो को बनाने के बाद मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्रिएटर इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाना चालू कर देंगे। बड़े बड़े अभी तक लोगों ने किस चीज़ पर बनाई है? ये तिलक लगाती है, तिलक लगा के छोटे छोटे कपड़े पहनती है, गलत तरीके से प्रमोट करते हैं तिलक को। इस चीज़ को लेकर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि ये पहले तिलक लगाते थे, बहुत बड़े शिव भक्ति कृष्ण भक्ति दिखाते थे, 24 घंटे दिन रात रील्स की आती रहती थी केवल और केवल मंदिर से रिलेटेड। फिर धीरे धीरे करके छोटे कपड़े पहन करके वीडियो बनाना चालू करा, लेकिन तिलक इसका नहीं छूटा क्योंकि फॉलोवर वहीं से बढ़े थे। फिर और धीरे धीरे आते हैं तो चिपकम चिपका इसका चालू हो जाता है, लेकिन तिलक नहीं छूटता है। और भी मैंने बहुत सारी बातें बताई इस वाले वीडियो में। इसी बीच में तनु की वीडियो में आपने इस लड़के को भी कई बार देखा होगा। स्टार्टिंग में हमने समझा कि चलो हो सकता है कोई दोस्त होगा, लेकिन जब इसकी बैक टू बैक वीडियोज आने लग गई, रील्स आने लग गई, तब लगने लग गया कि हो सकता है बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन कोई बात नहीं, होगा तो हिंदू ही होगा। लेकिन आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस ट्वीट को देखने के बाद, जिसमें लिखा है कि तनु रावत है मार्केट में, अभी अभी नहीं उतरी है, अपने बॉयफ्रेंड मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये पढ़ते भाई मेरा माइंड खनक गया। ओहो, ये क्या, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? अब तो इसके बारे में चीज़ों को जानना पड़ेगा। चीज़ों को जानने के बाद मालूम चला कि तनु रावत से भी ज़्यादा इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर इससे भी ज़्यादा हैं। चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग फिर इसके चैनल में जाकर विजिट करने लग जाओगे, सर्चिंग बढ़ेगी, रीच बढ़ जाएगी और हमारी दबती जा रही है, जो इतने बड़े बड़े आपके सामने खुलासे रख रहा हूँ। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि इसने अपना बॉयफ्रेंड इसको क्यों बनाया है। सिंपल सी बात है, फेमस तो पहले से ही थी, हो सकता है कि और भी ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में, और भी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इसने अहमद नवाज को चुना जिसके 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये क्या बनाया है, सोयाबीन का है क्या? बिरयानी क्यों नहीं बनी तुमने? चिकन हमारे पास चिकन नहीं था। क्या था तो मंगा लेते, भैया ना खाता। तो भैया नहीं खाते, हम तो खाते। मैं पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये इसी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से बैक टू बैक वीडियोस आती रहती हैं उस हिसाब से यही लगता है। अहमद नवाज को बहुत अच्छे से मालूम है कि लड़की को उसके नाम से ज़्यादा कुछ ऐसे नाम से बुलाओ जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन थोड़ा हट के है वो, तो उसने बाबू सोना हटा करके लाडो नाम रख दिया। अब लाडो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब घर पे कोई छोटी बच्ची होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वही नाम इसने रख दिया लाडो। अब ये सीधा इसके दिल में खटकता होगा कि यार मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लाडो कह करके बुलाता है। अगर इसके 5 तमाचे ही मार देना है, उसके बाद में प्यार से कह दे मेरी लाडो लग गया क्या, तब भी ये चिपट जाएगी इसके गले शायद। अगर ये कहीं पे मंदिर में जाते दर्शन करने के लिए तो अपनी फैमिली को लेकर के ही जाती है, और साथ ही साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी चिपका करके ले जाती है, यानी कि पूरा फैमिली का साथ है इस मामले में, फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं है। पता नहीं इन लड़कियों को कितना शौक है सूटकेस में जाने का, चुसे हुए जैसे बॉयफ्रेंड को बनाने का। अब क्या होता है, अधिकतर जो इन्फ्लुएंसर लड़कियाँ होती हैं उनको लड़के फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते, उनको फॉलो लड़कियाँ ही करती हैं। तो लड़कियों के माइंड में क्या डालती है, पहली भक्ति भावना, फिर छोटे छोटे कपड़े पहना करके तिलक लगा कर दिखाती है, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट लव जिहाद का ये बढ़ावा दे रही है। देखो आजकल जिस तरीके से लगातार केसेस आते रहते हैं, एक एक दिन में 2-2 केसेस आते रहते हैं, उस हिसाब से अगर ये लड़की सूटकेस में नहीं जाएगी तो फ्रिज में, अगर फ्रिज में भी नहीं जाती है तो शायद 2-4-5 साल के बाद तलाक। अब कोई लड़की अगर एक लड़के के लगातार पीछे लगी हुई है, पीछे लगातार चिपक रही है, तो इसका रीज़न क्या होता है? हो सकता है कि यूज़ भी कर लिया हो। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं शादी नहीं करूँगा, बताया था तभी। तो गर्लफ्रेंड बनाने में क्या है बताओ? नहीं बनाने में। तो पसंद तो होती है फिर भी इंसान की? नहीं होती, इस लाइक को पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तनु की मम्मी को भी ये सारा कुछ मालूम है, हो सकता है कि उसकी पूरी फैमिली को मालूम होगा, फिर भी साथ दे रहे हैं। तो मतलब आगे जो भी लड़के के साथ होगा इसमें पूरा परिवार का भी साथ होगा। मुझे समझ नहीं आता कि लगातार ऐसी लड़कियों को बैक टू बैक पिछले 1-2 साल से अनफॉलो करने की बात करी जा रही, बायकॉट करने की बात करी जा रही है, लेकिन बायकॉट करने के बजाय इनके फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की मानसिकता में पता नहीं क्या घुसता जा रहा है, और हमारे जैसे जो इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, जो इनको सूटकेस या फ्रिज में जाने से बचाते हैं, उनके फॉलोवर घटते जा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें।
ध्यान रखें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।